लोनी थाना क्षेत्र में बुरखे वाली को बुरखी वाली से हुआ है प्यार। मामला थोड़ा अजीब है, लेकिन खबर सुनिएगा। थाना लोनी क्षेत्र की यह खबर है, जहां एक शादीशुदा महिला जो तलाकशुदा है वो एक युवती से प्यार कर बैठती है। लड़के नाबालिग हैं, घर वालों को पता चल जाता है, पुलिस से मदद की गुहार लगाई जाती है। मामला जब जांच पड़ताल तक पहुंचता है तो निकल करके सामने आता है, दोनों अपनी मर्जी से एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। सेम जेंडर मैरिज को सुप्रीम कोर्ट भी अनुमति दे चुका है, लेकिन दोनों बालिग होने चाहिए। अब मसला यहाँ ये फंस जाता है, जो दूसरी जो लड़की है वो नाबालिग है, उसकी उम्र 17 साल बताई जाती है। कुछ महीनों का समय है कि वो बालिग हो जाएगी। ये सब देखते हुए दोनों को पुलिस ने समझाया और कहा कि तुम दोनों साथ नहीं रह सकते, अगर वो नहीं मानते तो उनको जेल भेज दिया जाएगा। दोनों की बात समझ में आ गई और दोनों खुशी खुशी अपने घर को लौट गए। अब पुलिस का कहना है कि जब तक तुम बालिग नहीं होते तब तक तुम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि सेम जेंडर मैरिज अलाउ है, लेकिन दोनों बालिग होने चाहिए। घर वालों का आरोप था कि महिला ने उनकी बेटी को बेला फुसलाकर इस काम के लिए धकेला है, लेकिन जब बेटी से बात की गई तो सामने निकल करके आया वो दोनों अपनी मर्जी से रहना चाहते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं। अब देखना दिलचस्प इसमें यह होगा कि जब लड़की बालिग हो जाएगी इसके बाद क्या देखने को मिलता है। फिलहाल इस खबर के बारे में जो भी आपकी राय हो कमेंट्स करके हमें बता देना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर कुछ नहीं, बस उनके घर पे आना जाना था, उनकी सिस्टर मेरी फ्रेंड थी। देन उनके घर पे जैसे मोहब्बत प्यार एक दोस्ती संबंध हो जाते हैं वैसा था, बाकी ऐसा कोई मैटर नहीं है। बस उससे मेरा रिलेशन हो गया और ये जो सिचुएशन चली इसके अकॉर्डिंग मैंने उनसे कहा कि तुम्हें पसंद नहीं है, हम ऐसी गलती नहीं करूंगी। अच्छा एक बात बताइए कि शादी आप करना चाहती थी या नहीं? वो शादी नाम क्या है? रावी। अच्छा, महिला महिला से ही शादी करना चाहती? हाँ जी। लेकिन समाज तो इसकी इजाज़त नहीं देता सर, बस गलती हो गई जाने अनजाने में। उनकी फैमिली को भी पता था, बढ़ावा शायद उनकी मम्मा ने दिया था। खैर कोई बात नहीं, अब अपनी तरफ से हम यही चाहेंगे कि ऐसी गलती ना हो।